24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों मौजूद हुए इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर और लगातार आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत के पूर्व सैनिक आर्मी पर्सन जो कि लगातार 21 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इनकी कुछ मांगे हैं ORP, MSP, विधवा पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन को लेके। और आज इस धरने का 21वां दिन है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज आर्मी वालों की एक बड़ी कॉल है और यहाँ पर हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक इस वक्त मौजूद है। आइए एक बार इनसे जान लेते हैं, बात करते हैं कि इनकी जो मांगे थी अभी तक सरकार के कानों तक पहुंची है या नहीं पहुंची, और पिछले 24 घंटे में सरकार की तरफ से इनके लिए क्या फैसला है। आइए सर, 21 दिन हो गए धरने को, 21 दिन से लगातार पारियां चल रही है। मैं संक्षिप्त में ये कहूंगा कि हमारा देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान आजाद होने के बाद नहीं हो सकता। देश का किसान आज एक साल से किसान लहर आंदोलन के लिए लड़ करके गया, जिसमें 3 कृषि कानून वापस हुए, और जिस देश की सीमा सुरक्षित नहीं है वो किसान अगर खुशहाल नहीं है, वो देश का राजा क्या प्रगति करेगा, क्या डेवलपमेंट करेगा जब देश सुरक्षित हाथों में नहीं होगा। आज जिन्होंने 4 युद्ध लड़े हैं, अपनी डिसेबिलिटी ली है, अपने अपंगता एम्पुटेशन हुआ है, और आज उन किसानों के चाहे वो सर्विस पेंशन है, चाहे फैमिली पेंशन है, या वो डिसेबिलिटी पेंशन है, वॉर इंजरी पेंशन है, लिबरलाइज फैमिली पेंशन है, स्पेशल फैमिली पेंशन है, किसी के अंदर से इतना डिस्पैरिटी, इतना भेदभाव जो आज सैनिकों के साथ किया जा रहा है। तो बेचारे भोले भाले जवान है, उनको पता ही नहीं है, हमारे में से 90% जवानों को पता नहीं है। मैं यहाँ स्टेज के ऊपर भी यहाँ बात ये कर रहा हूँ, सरकार ने इतनी अनदेखी, जैसे भी मेरे भाई प्रवक्ता बोल रहे थे, सरकार चौकीदार कहती है खुद को। हाँ, सरकार चौकीदार है, लेकिन चौकीदार ही डाका मारता है, क्योंकि चौकीदार मिला हुआ होता है तभी चोरी होती है, अगर चोरी नहीं हो सकती। मैं बड़े, हाँ चौकीदार चोर है। मैं ये कह रहा हूँ, एक इन्होंने जो अभी 666 सर्कुलर 28 फरवरी को जो निकाला, इसके अंदर हमारे रिजर्विस्ट को शामिल नहीं किया। वो रिजर्विस्ट जब सेना के मैन पावर जब ज्यादा संख्या में हो जाती है और ऑपरेशन खत्म हो जाता है, रिजर्विस्ट को घर भेजा जाता है, उसकी क्या गलती है, क्यों नहीं इसके अंदर ORP के अंदर शामिल किया? जो एक्स ग्रेस या जिसमें पेमेंट मिली है, जो शहीद हो जाते हैं, उनको शामिल क्यों नहीं किया? क्या एक ऑफिसर की मैं नाम नहीं लेता, वो भी हमारे भाई, आज 60% बेटे हमारे भी फौज में है, वो भी अफसर है, लेकिन हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रीमेचर 1 जुलाई 2014 के बाद में जितने भी प्रीमेचर, एक जवान जब एनरोलमेंट होता है 17+2 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं उसके, और वो 15 साल पेंशन ले जाता है, तो क्या प्रीमेचर हुआ वो? क्या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है? पेंशन आ गया, उसको इससे डिप्लॉय कर दिया गया? क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने बनाई है इसके ऊपर? प्रधानमंत्री जी सेना के लिए स्पेशल बजट निकालते हैं, कुछ नहीं बजट निकालते हैं, दिवाली मनाते हैं बॉर्डर के ऊपर जाकर के। अरे दिवाली तो ये थी जो अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर धरना धराने के ऊपर मजबूर हुए हैं। जो ORP के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वेज रिटायर्स 2018, देखिए कितनी अंधाधुंधी, कितनी आंखें बंद करके बैठे हुए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ORP 1 जुलाई 2019 और मिनिमम और मैक्सिमम वेज लाइव डाटा ऑफ रिटायर्स 2018। क्यों 2018 के बाद में फ्री सर्विस कर रहे हैं? क्या इनको इंक्रीमेंट नहीं मिला? क्या इनका प्रमोशन नहीं हुआ? क्यों 2019 तक का लिया गया ये डाटा? ये प्रीमेचर रिटायरमेंट 2014 के बाद सबसे बड़ा मुझे जो दुख है, जो मेरे भाई खड़े, मेरे बड़े भाई भी खड़े हैं, मैं तहे दिल से भाइयों का आदर करता हूं। अरे पेंशन 5 साल ब्रेकेट, जो 15 साल में पेंशन है वो 19.5 साल तक सेम पेंशन, 15 साल वाला क्या यार, 19 साल में भी इतने मिलने हैं, चल घर चल रहा है, उसको हालात में सिचुएशन में कंपेल कर दिया घर आने के लिए। क्या वो घर आकर के अर्ली एज में 35 और 37 साल के एज में रिटायरमेंट होने के बाद क्या करेगा वो? क्योंकि उसको इस हालत में मजबूर कर दिया, अप टू 5 इयर्स सेम 15 साल से 19.5 साल तक सेम पेंशन, कहां का रोल है ये? इससे पहले सेल्फ पे कमीशन ORP के अंदर 15 साल 15.5 16 16.5 से 17.5, हमारे
वेदर क्लाइमेटिस हो, बैड कंडीशन हो, नेचुरल क्लाइमेटिस होती है, वो सब के लिए बराबर कुदरत की मार के आगे किसी का चारा नहीं चलता। जिसको हम डिस्टर्बेंस लॉस बोलते हैं, वो डिस्टर्बेंस लॉस के साथ में हमारे जवानों के सिपाही से लेकर के अंग्रेजी कमीशन तक इतनी डिस्पैरिटी, हमारे 5200 रुपए पेंशन आता है डिवाइडेड बाय 2 2600 रुपए और ऑफिसर की 15500 रुपए, 7750 रुपए का फर्क मेरे भाइयों, 7750। अगर उसमें से हम 2600 रुपए निकाल दें तो पेंशन का फर्क आता 5150, 40% डीए मिलाते हैं तो कुल फर्क आता 7210 रुपए। अरे तुम जो करो कम से कम ये तो हमारे को लागू कर दो, ये तो हमारे को दे दो। 2014 में हमारा पे कमीशन ओआरपी लागू हुई थी, 2019 में ड्यू थी, 2022 2028 फरवरी 2023 को लागू की गई। क्यों? जब सरकार के कहे अनुसार हम मांग रहे थे हर साल, लेकिन सरकार ने बोला हम 5 साल में रिव्यू करेंगे। और 2019 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि ओआरपी को हम 5 साल के बाद रिव्यू करेंगे और ये इंप्लीमेंट और अनाउंसमेंट किया फरवरी 2023 के अंदर। ऐसा क्यों? हमारी सर्विस थर्ड पे कमीशन के दौरान 75% हम पेंशन लेते थे, हमारी रिड्यूस कर करके 50% और जिन अधिकारियों की 30% थी उनकी 50%। क्या ये अनदेखी नहीं है? ये भेदभाव नहीं है? तो हम कैसे ये जवान कैसे सहन करेंगे? ये सर आप लोगों ने सेना में 20-25 साल अपने देशभक्ति को दिए हैं, कभी आपने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद इस प्रकार से सड़क पर धरना प्रदर्शन? पहली बार।